कांग्रेस पार्टी इस बात को जानते हुए कि वो देश भर में रिजेक्टेड हो गई है, पूरी तरह से रिजेक्टेड हो गई है, और क्यों रिजेक्टेड हो गई है इसके बाद भी झूठ और मक्कारी। राहुल गांधी आजकल प्रधानमंत्री मोदी की जाति पूछ पता कर रहे हैं, और ये षड्यंत्र, ये झूठ, ये मक्कारी करनी शुरू कर दी राहुल गांधी ने कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनकी जो जाति है वो अपर कास्ट में आया करता था, लेकिन वो जब मुख्यमंत्री बने तो बड़े षड्यंत्र के साथ उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया। मतलब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का पूरा जीवन इतना बेदाग है, परिवार, जाति, भ्रष्टाचार, इन सबसे मुक्त, उसको कहां जोड़ रहा है? आप जिस ढंग से, आपकी औकात रहेगी ना, आपका जो मेंटल लेवल रहेगा आप वही सोचेंगे। दरअसल राहुल बिहार से निकले हैं और बिहार में नीतीश ने तो उन्हें झंड कर दिया। लालू यादव ये राजनीति करते थे बिहार में। लालू यादव कहते थे कि ये जो नरेंद्र मोदी है ना, ये नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, ये बिहार में लालू यादव भ्रम फैलाया करते थे। क्योंकि सच ये समझिए कि ईश्वरीय, कई बार मैं इस बात को मानता हूं कि मोदी कुछ खुद नहीं कर रहे हैं, कुछ ईश्वर की ऐसी लीला है कि यही नरेंद्र मोदी यदि ब्राह्मण समुदाय, क्षत्रिय समुदाय या फिर वैश्य समुदाय से आते, मतलब जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, उससे यदि नरेंद्र मोदी होते तो ये राक्षसों ने उन्हें उनका वध कर दिया होता। इस तरह से जातिवादी जहरीले नेता जितने हैं, इन सब ने वध कर दिया होता कि मोदी ब्राह्मण है, इसीलिए ब्राह्मणवाद फैला रहा है, इसीलिए इतना मंदिर मंदिर कर रहा है, इसीलिए सनातन की बात कर रहा है, इसीलिए त्रिकुंड लगा रहा है, इसीलिए वो काशी कॉरिडोर बना रहा है, इसीलिए राम मंदिर की बात कर रहा है, इसीलिए ये नरेंद्र मोदी जो है वो चारों धाम जो है, शंकराचार्य जो चारों पीठ है उसको, उसका सौंदर्यीकरण किया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस कदर ये लोग षड्यंत्र करते यदि नरेंद्र मोदी ब्राह्मण, क्षत्रिय या कोई भी सो कॉल्ड अपर कास्ट होते। लेकिन ईश्वर ने नरेंद्र मोदी को एक ऐसी जाति में पैदा किया कि ये भारत की सनातन तोड़ने की वो साजिश कर ही नहीं पाए। इसमें नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है। नरेंद्र मोदी जिस जाति में पैदा लिए उसमें आप जिस जाति में पैदा लिए, जिस घर में, इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है कि आपके वो मां बाप हुए। ये ईश्वरीय लीला है। अब यही, इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर करा रहा है। मैंने बार बार ये कहा कि नरेंद्र मोदी यदि अपर कास्ट के होते, सो कॉल्ड अपर कास्ट के होते, तो ये राक्षस उन्हें वध कर दिए होते। ये जातिवादी जितने राक्षसी नेता हैं, ये मोदी का वध कर दिए होते। पॉलिटिकली वध हो गया होता, मोदी कुछ नहीं कर पाते, तो मोदी ये सनातन भारत का ध्वज नहीं उठा पाते। ये ईश्वरीय लीला है कि नरेंद्र मोदी तेली जाति से है, घासी जाति से है, जिस चीज को वो जिक्र करते हैं। अब आज राहुल गांधी को कहा जाता है, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि क्या खाता पीता है समझ में नहीं आता, ये रिसर्च करता है कि नहीं करता, ये पढ़ता लिखता है कि नहीं, कोई इसे कुछ भी कह देता, कुछ भी मान लेता है आदमी। लालू यादव के एजेंडे पर इसने ये कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी जो है वो फर्जी ढंग से है, और ट्विटर पर ट्रेंड करने लिए लगाया कि फेक टेली, फेक ओबीसी, इस तरह से करना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं जरा सा राहुल को सुनिए, तब समझ में आएगा कि आदमी क्या खाता क्या पीता है। पार्लियामेंट में एक सेकंड लगेगा, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे, नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे, उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया।
आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं, ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। आपने इसकी तू तराक की भाषा देखी भारत के प्रधानमंत्री के लिए। और नंबर वन, जो जनरल कास्ट से इसकी नफरत भी आपने देखी। पहला सवाल यह कि यह अपनी जाति क्यों नहीं बताता, यह कौन सी जाति है, किस मजहब का है, यह क्रिश्चियन है, पादरी, ये पारसी है, मुसलमान है, हिंदू है, किस जाति से है? इसकी मां क्रिश्चियन है, बाप पारसी, तो ये अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण कहता है। यदि ये दत्तात्रेय ब्राह्मण है तो इसकी नफरत अपर कास्ट से, या फिर कह लीजिए कि इसकी इसकी नफरत जो है वो जनरल कास्ट से क्यों है? इसने जनरल कास्ट से अपनी नफरत दिखाई और तू तराक करते प्रधानमंत्री के लिए इसने, भारत के प्रधानमंत्री के आदमी कह रहा है कि ये तेली जाति का है। और जिस जाति की बात कर रहा है, बिहार उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में, वो जाति दरअसल अति पिछड़ा में आता है, पिछड़ा नहीं अति पिछड़ा। और सच समझ लीजिए, इस आदमी, ये क्या आदमी क्या खाता पीता है, इस आदमी को कौन समझाता है, किसने इसके कहा जिससे जो जोर देकर के आ, सुन लो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। तब आप जब रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि सच में 1994 में जब कांग्रेस की सरकार थी, छबिल दास मेहता जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, छबिल दास मेहता के काल में नरेंद्र मोदी की जाति, किस किस काल में, जब कांग्रेस की सरकार थी और नरेंद्र मोदी राजनीति में भी जब नहीं आए थे, उस समय में नरेंद्र मोदी जिस जाति से हैं उस जाति को ओबीसी में डाला गया था। तो ये आदमी क्या खाता पीता है, कौन इसका इसकी स्क्रिप्ट लिखता है, कौन इसे ट्रेनिंग देता है, ये समझ में नहीं आता। और खैराती कूद रहे हैं कि हाँ हमारा आका जो है, हमारा आका ने कमाल कर दिया, ये चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है। इसके आपने सुना, उसके बाद इसके ट्विटर हैंडल पर इसके जो लिखे हुए हैं, राहुल, जो भी मैंने सुनाया है वो राहुल गांधी के खुद का ट्विटर हैंडल है। सच सुनो, ये देश से झूठ बोल रहे हैं, ये ओबीसी पैदा नहीं हुए। नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया। वो कभी पिछड़ों के हक में हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जातिगत गिनती नहीं करने वाले, जातिगत गिनती कांग्रेस ही कर दिखाएगी। अब तुम जातिगत गिनती करके दिखाओगे, 60-65 साल तुम्हारे बाप की, तुम्हारी माँ की सरकार, 10 साल तुम्हारी माँ के ने की सुपर सरकार रही, बाबूजी की 5 साल सरकार रही, दादी की 17-18 साल सरकार रही, नाना की नाना की सरकार रही, तो क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा लिया? दरअसल ये हिंदुओं को, पूरे सनातन भारत को अब जाति में ये गृह युद्ध कराने की इस आखिरी तैयारी है कि कैसे भी इस देश में गृह युद्ध करा दें हम। इसीलिए राहुल गांधी की इस जहरीले खेल को आपने देखा होगा कि बार बार कह रहा कि ये लोगों को गले नहीं लगाते। इन लोगों का एजेंडा दरअसल नहीं चल पाता नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कि नरेंद्र मोदी, मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी यदि ब्राह्मण जाति से होते इस देश में, बड़े दिनों तक ब्राह्मणों की सत्ता में उनका हक हिस्सेदारी रही। सो कॉल्ड ब्राह्मण, इनके बाबूजी को माना जाता बिहार यूपी में, जो कई ब्राह्मण है इसीलिए इनकी कांग्रेस के सपोर्ट में है, उन्हें लगता है कि राजीव गांधी ब्राह्मण था, कितना चेहरा पांडित्य वाला चेहरा था, मां ने पारसी से शादी कर लिया, बाप का मतलब दादा की जाति सही मायने वो पंडित लगाता था, वो था क्या हिंदुओं से नफरत करने वाला इस कदर था, वो जवाहरलाल नेहरू कौन सी जाति का था, ये भ्रम क्यों फैलाया गया कि वो पंडित है,
अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस देश में बड़ी संख्या में अटल जी भी ब्राह्मण थे, बामुलपति वेंकट नरसिम्हराव भी ब्राह्मण थे, बीपी सिंह और चंद्रशेखर जी क्षत्रिय जाति से थे, उससे पहले भी ब्राह्मणों की सत्ता रही, इंदिरा गांधी को ब्राह्मण ही माना गया, पंडित नेहरू खुद को ब्राह्मण ही कहते थे, लेकिन कल्पना कीजिए कि यदि नरेंद्र मोदी ब्राह्मण होते तो ये सब चीजें, ये क्योंकि जिन लोगों ने अपने आप को ब्राह्मण बताया उन लोगों ने सनातन विरोध अटल जी को छोड़ करके सामने सनातन विरोधी साजिश की, लेकिन तुष्टीकरण के कारण सनातन विरोधी साजिश की, भले ही अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में उन्होंने अपने आप को अपनी जात कट्टर जातिवादी रहे, लेकिन तुष्टीकरण के कारण सनातन भारत के साथ इन सब ने अत्याचार किया। आज कल्पना से पड़े है कि यदि नरेंद्र मोदी ब्राह्मण या क्षत्रिय होते तो इन लोगों ने पूरे एजेंडा को ध्वस्त कर दिया होता, और देश में क्योंकि ओबीसी की संख्या ज्यादा है और इसीलिए ये तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम वोट, इन्हें पता है कि हमारे हमें थोक में मिलेगा, इसीलिए ओबीसी का जहर ये चलाना चाह रहे हैं। जिस पार्टी ने सालों तक कभी भी ओबीसी का एजेंडा नहीं चलाया वो पार्टी इस रूप में ऐसा जहर फैलाना चाह रही है, इस बात को समझना जरूरी है कि कितना खतरनाक खेल राहुल गांधी कितनी झूठ और मक्कारी का कर रहे हैं। 1994 में कांग्रेस की जब सरकार थी गुजरात में, छबिल दास मेहता जब राज्य के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस, तब 34 जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया, और राहुल गांधी ऐसी मक्कारी कर रही है, आदमी पार्टी को बर्बाद करके रखेगा। अब देखिए किस स्तर पे उतरा, जिसकी जो मां बेटा मिल करके कांग्रेस पार्टी के पारंपरिक अखबार को लूट लिया, पूरा गबन कर दिया, वो आदमी प्रधानमंत्री जिसका कोई खर्चा नहीं है, आगे नाथ ना पीछे पगहा वाली बात है, जो अपनी सैलरी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए स्टाफ को देकर के चलाया बची हुई सैलरी, उस वो आदमी कपड़ा ढंग से पहने, इस पर आपत्ति है, और किस तरह से इसीलिए बैक बाउंस करता है इस मूर्ख आदमी को सुनिए जरा सर। प्रधानमंत्री की सैलरी 160,000 रुपए प्रति महीना, सुबह उसको देखो एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो। भारत के प्रधानमंत्री के लिए भाषा इसकी जरा सुनिएगा, भाषा गौर कीजिएगा इस आदमी की। हिंदुस्तान के सब युवा, प्रधानमंत्री की सैलरी 160,000 रुपए प्रति महीना, सुबह उसको देखो एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के, 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए, तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 160,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है, भाइयों बहनों पता नहीं लगा, देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, बात समझ नहीं आ रही है? तो ये हो गई आर्थिक अन्याय की बात। अब खैराती इसी राहुल गांधी के इसी भाषा पर कि अरे सही बात है, राहुल ने कमाल कर दिया, सही बात है, 160,000 रुपए सैलरी है प्रधानमंत्री की, मतलब ये आदमी कुछ भी नहीं है तो ये इस कदर अय्यासी कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा में इतने पैसे कहां से खर्च कर रहा है, और देश का प्रधानमंत्री जिसका न परिवार है न किसी ढंग से कोई खर्चा है, जो अपनी बची हुई सैलरी का इस्तेमाल, इतने सारे प्रधानमंत्री के ऊपर फंड है, मतलब वो सिर्फ कपड़े पहन रहा ढंग से, उस पर सवाल उठा रहा है। तो ये समझ में कि ये फिरोज खान का जो पारसी पोता है, नाती, ये समझ लीजिए कि ये दरअसल यही मोदी की असली ताकत है। इसकी भाषा बता रही है कि अहंकार किस कदर है। दरअसल इन लोगों को यही लगता है कि इनकी बर्बादी की कहानी लिखती है। जिस परिवार में जिस राहुल गांधी को उसके पार्टी कवर करने वाले पत्रकार राहुल गांधी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, जिस सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो जब एक बार बोल दिया अर्णब गोस्वामी ने तो उसे जेल जाना पड़ा, सोचिए उन लोगों को ऐसा नाथ दिया है,
इसलिए जरूरी यह है कि बीच बीच में ये उन्माद करता रहे। राहुल गांधी और उनकी पूरी इस तरह के लोग बदतमीजी करते रहे भारत के प्रधानमंत्री से, ताकि देश की जनता का गुस्सा बरकरार रहे, देश की जनता निश्चिंत ना हो जाए, कह रहे ठीक है कांग्रेस की राज खत्म हो गई, कांग्रेस की सत्ता चली गई है, सिस्टम पर अभी भी उसका कब्जा है। और इसीलिए कश्मीर फाइल्स की वो डायलॉग में बार बार याद आते हैं कि सरकार भले ही उनकी है, सिस्टम तो अपना है। राहुल गांधी के इस बदमिजाजी वाले बयान, इस झूठे और मक्कारी वाले बयान का ही महिमा मंडन खैराती अपने अपने यूट्यूब चैनलों पर कर रहे होंगे, लेकिन ये सच समझना बहुत जरूरी है कि तिलमिलाहट क्यों है, इस तिलमिलाहट के बाद भी ये एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इस बात को समझना जरूरी है। क्यों धक्के मारकर बंगाल के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को बंगाल से भगाया, और क्यों आंदोलन जीवी वहां जाकर के सलीम यादव गिरगिराने लगा। यदि ऐसी है, ऐसा ईडी का डर है, यदि ऐसा लूट है, तो सब एक क्यों नहीं हो रहे मोदी के पक्ष के खिलाफ।